Assalamu alaikum students. Today in Pakistan Affairs lecture series, we are going to discuss our past papers. सबसे पहले हमारे पास 2016 के past papers हैं, so we are going to discuss how to correlate our topics in these questions. First question we have, first आपके पास जो है वो MCQ question होगा, ठीक है जी. Second question number two हमारे पास है, the Aligarh movement was a pure educational venture, but it had deep impacts on Indian politics. Discuss. ठीक है जी, अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में आपको बताना है कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो एक प्योरली एजुकेशनल वेंचर था, एजुकेशनल मूवमेंट थी, लेकिन इसका जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक डीप इम्पैक्ट था. तो ये इम्पैक्ट किस तरीके से था? अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली थी क्या, इसका जो प्योर एजुकेशनल वेंचर हम यहाँ पे कह रहे हैं वो क्या था, और इसका जो डीप इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर वो किस तरीके से पड़ रहा था, वो अपने यहाँ पे हम अपने इस क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को कोरिलेट करेंगे. तो अगर अलीगढ़ मूवमेंट की सेपरेटली बात की जाए तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने जो है वो स्टार्ट की थी, और इसका जो पावर था वो क्या था कि मुस्लिम्स को एम्पावर करना है उनकी एजुकेशन के थ्रू, पर्टिकुलरली इंडियन रेबेलियन के साथ जो है उन्हें इस जो मुस्लिम्स हैं उन्हें एजुकेट करना है. ठीक है जी, अब एक्चुअली में ये गेम चेंजर साबित हुई थी. इसमें जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी जो सोशल एजुकेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको काफी ज्यादा इस अलीगढ़ मूवमेंट ने जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया था. जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो मॉडर्न एजुकेशन था, सोशल रिफॉर्म्स थे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थी. इसके साथ साथ जो इस इंस्टीट्यूशन ने काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुस्लिम्स को उनको शेप आउट करने के लिए, उनको उनका एक सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है वो प्रोवोक करने के लिए, उन्हें फॉस्टर करने के लिए. इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज्यादा मुस्लिम लीडर्स या चैंपियंस जो थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोड्यूस किए थे. तो इस तरह से इसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था कि एजुकेशन तो मुस्लिम्स को प्रोवाइड की गई थी, लेकिन इसने जो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही एक जो है वो ब्राइटनिंग जो है वो इम्पैक्ट अपना जो है वो छोड़ा था. ठीक है जी, इसके साथ साथ आप यहाँ पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन हुई ये सर सैयद अहमद खान के विजन को लेते हुए, और जो मूवमेंट थी वो आगे फिर पाकिस्तान मूवमेंट के तौर पे आगे बढ़ी. डिफरेंट जो मुस्लिम लीडर्स थे काफी सारे, उन्होंने इसे सपोर्ट किया, एक पॉलिटिकल लैंडस्केप प्रोवाइड किया इस यूनिवर्सिटी ने, तो इस अलीगढ़ मूवमेंट ने. तो ये चीजें जो है वो सारी की सारी आपने अपने इस टॉपिक के अंदर कोरिलेट करनी है. हम अपने क्वेश्चन में ध्यान देखें तो सबसे पहले आपने अलीगढ़ मूवमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना है. अलीगढ़ मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इनिशिएटिव बाय सर सैयद अहमद खान 1875. इंट्रोडक्शन व्हेन इट वाज फाउंडेड, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में 1875 में सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी बुनियाद रखी. तो इट वॉज इनिशियली अ प्योर एजुकेशनल वेंचर, स्टार्टिंग में प्योरली एजुकेशनल वेंचर था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इसका इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी पड़ना शुरू हुआ. और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो डिस्कस क्या करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, अलीगढ़ मूवमेंट का जो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर डीपली इंपैक्ट आ रहा है, उन तमाम चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, फर्स्टली द अलीगढ़ मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया. ठीक है जी, इसके साथ साथ सैयद अहमद खान का जो एम्फेसाइज था, जो उनका जो उन्होंने ज्यादा जोर दिया वो किस चीज के ऊपर दिया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है मुस्लिम्स को मॉडर्नाइज करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फोस्टर करने के लिए जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ओरिएंटल कॉलेज वो उसकी बुनियाद रखी, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना गया. द कॉलेज एम टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम्स. मॉडर्न एजुकेशन सबसे अहम मोटिव था जो है वो कॉलेज का. इसके साथ साथ क्या किया कि इसने एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया, उसके साथ साथ इन्हें जो दूसरी कम्युनिटीज के साथ हैं उनके साथ ब्रिंग अप किया. इस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, जो ये मूवमेंट थी, इसका कंप्लीट एम्फेसिस जो है वो एजुकेशन लेवल के ऊपर था, ताकि जो न्यू एजुकेटेड मुस्लिम क्लास है वो एक्टिव हो जाए पॉलिटिक्स के अंदर, और अपना जो एक सिग्निफिकेंट रोल है इंडिया की पॉलिटिकल जो एक डिस्कोर्स है उसे शेप करने में अपना एक अहम रोल अदा करें, और मुस्लिम्स को जो उनकी जो जगह रिक्वायर्ड है, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें फुलफिल किया जा सके.
तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा एक अहम रोल प्ले किया। सेकेंडली अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मूवमेंट ने जो है वो मुस्लिम्स की नेशनलाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सर सैयद अहमद खान का जो बिलीफ था क्या था कि मुस्लिम जो है एक सेपरेट नेशन है हिंदू से, वो उनके इंटरेस्ट और कंसर्न, उनका कल्चरल आइडेंटिटी सब कुछ जो है वो हिंदू से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो इस मूवमेंट का जो एम था वो यही था कि एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करना है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी को जगाना है मुस्लिम्स के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर कि जिससे ये उन्हें पता चले कि दे आर एक्चुअली डिस्टिंक कम्युनिटीज। ओके, और इंडिया के अंदर ये डिस्टिंक कम्युनिटीज हैं और ये चीज उनकी एक पॉलिटिकल और उनके नेशनल और एक कम्युनिटी सिनेरियो के लिए जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो मुस्लिम्स के लिए जो वो एक अपना कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा वेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, और ये फिर क्या हुआ कि आगे चलते चलते ये चीज जो एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गई इंडिया के अंदर। थर्डली अगर देखें, द अलीगढ़ मूवमेंट हैड सिग्निफिकेंट नॉन पॉलिटिकल थॉट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स की जो पॉलिटिकल थॉट थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो एक इम्पैक्ट डाला अलीगढ़ मूवमेंट ने। इस मूवमेंट का जो एम्फेसिस था कि मुस्लिम्स को पार्टिसिपेट करना है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी, इससे पहले मुस्लिम्स इस चीज के अंदर इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव नहीं थे, और ताकि उनका और साथ साथ उन्होंने अपने काम को भी वहां पे वाजे करना है ताकि जो है वो उनको एक अपलिफ्टमेंट हासिल हो, उनको एक अप्रोच हासिल हो। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियन मुस्लिम्स हु बिकेम मोर पॉलिटिकली अवेयर एंड एक्टिव। और इससे क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो गए, एक्टिव हो गए, जो कि अब से पहले नहीं थे। और मोस्टली डोमिनेंट जो है वो ब्रिटिश और इंडियंस ही थे, हिंदू जो थे वो ही थे। लेकिन इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो है वो भी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर और एक्टिव हो गए। दिस इन टर्न लीड टू द एमर्जेंस ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज। मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज बनी, जैसे इसके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसने काफी ज्यादा क्रुशियल रोल प्ले किया इंडिया की इंडिपेंडेंस में। जो जद्दोजहद आजादी थी, आजादी है, उसमें बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल में प्ले किया। इन कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मूवमेंट जिस तरीके से स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि इसका बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक इम्पैक्ट था, एक प्योरली एजुकेशनल वेंचर था सर सैयद अहमद खान की तरफ से, लेकिन इसके इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जो वो डीप इम्पैक्ट किस तरीके से गए कि इसने मुस्लिम्स को ट्रांसफॉर्म किया, उनको जो कम्युनिटी मुस्लिम्स कम्युनिटी है उन्हें बहुत ज्यादा सोशल किया, एजुकेशनली पॉलिटिकली एक लैंडस्केप प्रोवाइड किया, और मुस्लिम्स के अंदर जो उनका मुस्लिम नेशनलिज्म था उसे डेवलप किया। ठीक है जी, और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो इंडिया के अंदर उनका शेप अप किया। अब इसका एम्फेसिस था वो एजुकेशन की तरफ था, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि इमरजेंस थी कि नए एजुकेटेड मुस्लिम्स क्लास पैदा हो जो कि अपना एक्टिव रोल प्ले कर सके बिना मुस्लिम भी और इन पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, ताकि जो इंडियन मुस्लिम्स की पॉलिटिकल थॉट है वो भी आगे जो है वो पोर्ट्रे हो सके। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज critically analyze the elections of 1937 and the sufferings and grievances of Muslims under the Congress rule in the province 1937 to 1939 tak. First part mein aapko kya karna hai, critically analyze karne hai elections 1937 ke aur inki sufferings kya hui, kya pashtave face karne pade Muslims ko Congress rule ke andar, kis kisam ki mushkilat ka samna karna pada, kya cheeze Muslims ko bardasht karni padi 1937 se 1939 ke is era ke andar, how did it help in popularizing the idea of separate Muslim स्टेट इन इंडिया, और इसके इस दौरान में ऐसा क्या हुआ कि इसने जो मुस्लिम्स का आइडिया था एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट का उसको जो है वो ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया। ठीक है जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम जो एनालाइज करें तो क्रिटिकल 1937 के इलेक्शंस को, सबसे पहले कि ये एक सिनेरियो इस तरह का है जो 1937 के इलेक्शन से स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, अब इन इलेक्शंस में क्या हुआ कि जो एक पाइवोटल मोमेंट था कंट्री की हिस्ट्री, इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस रूल है वो स्टार्ट हो गया 8 प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है जी, अब इस पीरियड में जो मुस्लिम्स थे उनको कांग्रेस रूल के अंडर ही आना पड़ा, उनके पास कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं थी। तो ये तमाम चीजें क्या हुआ कि इससे मुस्लिम्स को बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो उनकी उनको उनकी जो सफरिंग्स है, उनको जो ग्रीवेंसेस की गई, उनको जो डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, जो डिस्प्यूट्स बिल्डअप हुए, कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ा, तो ये चीजें मुस्लिम्स को एक बेहतर तरीके से रियलाइज हुई कि इन इलेक्शंस में जो है वो कांग्रेस ने अपने जो अपनी हुकूमत है 8 प्रोविंसेस के अंदर ऑलमोस्ट वो कंप्लीटली
उनका रोल तो आ गया, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन का उन्होंने इस चीज में किसी किस्म का कोई एहसास या कोई ख्याल जो है वो नहीं किया है। तो ये चीज जो है वो मुस्लिम्स के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रोवोक करने के लिए ये आइडिया बस एक आखिरी चीज साबित हुई कि उन्हें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट जो है मुस्लिम्स को बहुत जो है वो स्पेशली रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो अगर हम स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन यहाँ पे, किस तरीके से आप इसे कोरिलेट करेंगे इलेक्शंस को। The elections of 1937 were a significant event in the history of India's struggle for independence. The Indian National Congress, led by Mahatma Gandhi, won a clear majority in the provincial elections held that year. A clear majority हासिल हुई थी महात्मा गांधी को, ठीक है जी। लेकिन जो कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट थी सेवरल प्रोविंसेस के अंदर इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मद्रास। हाउएवर द कांग्रेस रूल इन दीज प्रोविंसेस वॉज नॉट विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी, स्पेशली फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन। अब इन्हें एक वाज़े अक्सरियत तो हासिल थी कांग्रेस को, लेकिन मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उनके लिए उन्होंने कोई एक स्पेशल आउटलाइन या किसी किस्म का कोई इन्होंने कोई बेनिफिट इस किस्म की एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का ही सामना था मुस्लिम्स को इस तमाम सिचुएशन के अंदर, स्पेशली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको इन प्रोविंसेस के अंदर। तो इस चीज ने मुस्लिम्स को काफी ज्यादा प्रोवोक किया, उनके अंदर इस आइडिया को पॉपुलराइज किया दैट दे शुड हैव एंड दे शुड डिमांड फॉर ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। Muslims in India had been demanding separate electorates since the early 20th century. Entry century ke starting se hi ye log jo hai wo almost jo hai Muslims ki demand thi, lekin jo British government hai usne separate electorates diye Muslims ko 1909 mein, theek hai, parliamentary reforms se. लेकिन कांग्रेस ने क्या हुआ था कि इस जो प्रोविजन था उसको अपोज किया था। लेकिन 1937 के अंदर द कांग्रेस अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ वन पर्सन वन वोट की पॉलिसी को उसने अप्लाई किया। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम जो है उन्हें दूसरी कम्युनिटीज के साथ जो है वो कंपीट करना पड़ेगा, हर पर्सन जो है वो अपना वोट देगा। तो ऑब्वियसली हिंदूज अगर वहां पे ज्यादा थे, मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, लेकिन क्या था कि अब वो अपने वोट्स जब देंगे तो प्रोविंशियल असेंबली में ऑटोमेटिकली मुस्लिम्स के जो वोट्स हैं वो कम भी होने के चांसेस थे, और उन्हें जो बाकी जो दूसरी कम्युनिटीज हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में उनके साथ मुस्लिम्स को जो है वो कम्पीट भी करना पड़ेगा। अब ये पॉलिसी कंप्लीटली टोटली मुस्लिम्स के अपोजिट गई मुस्लिम लीग के, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स ने एक सेपरेट इलेक्शंस का जो है वो मुतालबा किया था। द कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस बिटवीन 1939 वाज मार्क्ड बाय सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशंस रही इस तमाम ड्यूरेशन के अंदर, 1937-1939 के ड्यूरेशन में। इसमें किस तरीके से ये रहा कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, उन्होंने क्या किया, अबॉलिश कर दिया जमींदारी सिस्टम को, ठीक है जी, जो कि मेनली सोर्स ऑफ इनकम था मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का। इसके साथ क्या किया, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी मद्रास में उसने इंट्रोड्यूस किया एक अपना हिंदू और तमिल कल्चर, ठीक है जी, एक अपने जो मेजर्स हैं हिंदी और तमिल को प्रमोट करने के लिए। अब ये क्या हुआ, जो उर्दू लैंग्वेज का स्टेटस था मुस्लिम्स के लिए, ये उसके लिए एक थ्रेट था। इसके साथ साथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, उन्होंने कोई ऐसे इस तरह के एडुकेट मेजर्स नहीं लिए थे कि जिससे मुस्लिम्स को भी कोई फायदा और मुस्लिम पॉपुलेशंस को जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रीवेंस का सामना जो है वो करना पड़ा। अब ये तमाम पॉलिसीज जो हैं, ये और जो कांग्रेस गवर्नमेंट के जो एक्शंस थे, ये तमाम के तमाम जो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही थी, एक एलिनेशन थी मुस्लिम्स के दरमियान में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आइडिया था सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया का वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ मुस्लिम लीग के अंडर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना यूज द कांग्रेस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एज एविडेंस ऑफ द कांग्रेस इंडिफरेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। अब जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी उन्होंने एज एन एविडेंस यूज किया कि हमारे साथ ये इस तरीके से नाइंसाफी या ज्यादती हो रही है, और इन तमाम चीजों को लेकर ये आइडिया जो है मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर हिज सुपरविजन मुस्लिम लीग पॉपुलराइज हुआ कि मुस्लिम्स की एक डिमांड है और इनकी नीड है एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। अब ये डिमांड मुस्लिम स्टेट की जो है वो एक पहले एक स्मॉल ग्रुप थे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के थे काफी साल तक, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वाइडर एक्सेप्टेंस उसको मिलती गई और मुस्लिम पॉपुलेशन को जो है वो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया दैट वी एक्चुअली नीड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो 1937 के जो इलेक्शंस थे और जो कांग्रेस का रूल था प्रोविंसेस के अंदर 1937 से 1939 के अंदर, वो उसमें वो रूल ऐसा था, उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम्स को जो है वो बिल्कुल
जो है वो इतना सप्रेस कर दिया था, उस चीज से मुस्लिम्स के अंदर जो आइडिया था सेपरेटिस्ट स्टेट का बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, उनकी जो पॉलिसीज थी और एक्शंस थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, उसने एक सेंस ऑफ एलिनेशन या फ्रस्ट्रेशन पैदा किया मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर, दे वर एक्चुअली फेड अप बाय दिस ऑल दिस पॉलिसीज, और फिर इस चीज ने क्या किया जो है वो एक इस तमाम चीजों को जो है वो मुस्लिम लीग ने एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने इस चीज को यूज करते हुए इसका एडवांटेज लिया, और फिर जो मुस्लिम स्टेट के लिए उनकी डिमांड थी उस चीज को आगे फर्दरली उन्होंने प्रमोट किया। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। जिन्ना इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग in March 1940 said the problem in India is not of an intercommunal character but manifestly of an international one and it must be treated as such। ठीक है जी, या फिर आपने साथ में क्या है टू नेशन थ्योरी के ऊपर नोट लिख देना है, लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1940 इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब क्या है एक्चुअली में इस स्टेटमेंट, आपके पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 का जो एड्रेस था उसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एड्रेस में कायदे आजम ने अपने एनुअल सेशन में क्या कहा, द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट ऑफ एन इंटर कम्युनल कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू कायदे आजम की जो प्रॉब्लम था इंडिया का, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम, ये इस स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपने अपने क्वेश्चन के अंदर इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है इसका। द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट ऑफ एन इंटर कॉम्युनल कैरेक्टर बट मैनिफेस्टली ऑफ एन इंटरनेशनल वन एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज सच। अकॉर्डिंग टू कायदे आजम की जो प्रॉब्लम था इंडिया के अंदर, जो मुस्लिम्स और इंडियंस, मुस्लिम्स या हिंदूज के दरमियान में जो एक इशू क्रिएट हो रहा था, उनके दरमियान में जो मसला था, वो अकॉर्डिंग टू कायदे आजम इंटर कॉम्युनल नहीं था। इंटर कॉम्युनल मीन्स, इंटर कॉम्युनल कैरेक्टर मीन्स कि कोई जस्ट के दो लोगों के दरमियान में कोई झगड़ा हो रहा है या दो कम्युनिटीज के दरमियान में कोई सिर्फ एक सिंपल मसला हो रहा है, कोई एक सिंपल टेंशन क्रिएट हो रही है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग ये एक मैनिफेस्टली था या पर क्लियरली या ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल इशू था जो कि लीड कर रहा था आगे बहुत से प्रॉब्लम्स को, और जिसे इसको इसी तरीके से ट्रीट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था, नॉट लाइक जस्ट अ कम्युनिटी इशू, बल्कि इसे एक इंटरनेशनल इशू के तौर पर ट्रीट करके इसे सॉल्व करना जो है वो जरूरी था। कायदे आजम की ये स्टेटमेंट थी अपने एनुअल सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ठीक है जी, और इस चीज से क्या हुआ कि आगे लीड किया, इस चीज ने लीड किया किसकी तरफ, टू नेशन थ्योरी की तरफ। ठीक है जी, जब दो कौमें अलग हैं, उनके नजरियात अलग हैं, उनके कल्चर अलग हैं, वो इंटरनेशनली इस चीज को उनकी उनकी मैटर्स जब अफेक्ट कर रहे हैं तो मीन्स के वो दो कौमें अलग अलग बनी है, तो इन दो कौमों का जो दो कौमी नजरिया था टू नेशन थ्योरी वो यहाँ पर प्रपोज की गई और लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो पास की गई 1940 के अंदर। सॉरी, ठीक है, तो इस चीज को आपने अपने क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, आप कैसे ये टॉपिक, ये दोनों चीजें टू नेशन थ्योरी को और कायदे आजम की स्टेटमेंट को आपने कोरिलेट करना है, वो आगे अब हम देखते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो आपने एक इंट्रोडक्शन, हमने जो कायदे आजम का जो टू नेशन थ्योरी थी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से एक कायदे आजम ने अपना एक जो प्रपोजल दिया था, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1940 के अंदर, एक काफी एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था इंडिया की हिस्ट्री में। अब इस स्पीच में कायदे आजम ने क्या किया था कि इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया था, इस चीज के ऊपर जोर दिया था कि इंडिया जो है वो एक इंटरनल कम्युनल इशू नहीं है, बल्कि क्या है कि एक इंटरनेशनल इशू है और इसकी एक इसको एक डिफरेंट अप्रोच रिक्वायर है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। अब इन्होंने इसके साथ साथ क्या इस चीज में जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की जो स्ट्रगल्स हैं उनके ऊपर किया था कि वो सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर नहीं है, बल्कि साथ साथ कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिक फैक्टर्स और काफी सारे डिफरेंट इशूज हैं जो इस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसे बिल्कुल इंटर कम्युनल नहीं लेना है, बल्कि इसे एक इंटरनेशनल जो इशू के तौर पर जो इसको सॉर्ट आउट करना है। अब कायदे आजम की ये जो मोदी जिना की जो ये स्टेटमेंट थी इसने बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया था जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज थी, इसके साथ साथ जो मुस्लिम्स को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जो डाइवर्स पॉपुलेशन थी और जिसको एक कंट्री को कोई भी चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ सकता है दो डिफरेंट कम्युनिटीज को देखते हुए, तो ये तमाम इश्यूज को कायदे आजम ने एज एन इंटरनेशनल इशू के तौर पर फ्रेम कर दिया था, और ये चीज इन्होंने एम्फोसाइज की थी मुस्लिम कम्युनिटी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा एक विदाउट एनी रीजन नहीं है, बल्कि इसकी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस है, एक नीड है
और मुस्लिम्स की जो है वो उन्हें उनकी जो अपने राइट्स हैं या इंटरेस्ट है उन्हें शोकॉज करने के लिए उन्हें एक अपनी सेपरेट स्टेट की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो द टू नेशन थ्योरी वॉज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जी, द लीडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एंड वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया वर टू सेपरेट नेशंस, एज आई डिस्कस अर्लियर, कि दो सेपरेट नेशंस हैं, इनके डिस्टिंक्ट रिलीजियस कल्चरल और सोशल आइडेंटिटीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू जिन्ना दीज टू नेशंस कुडंट कोएग्जिस्ट, ये दोनों नेशंस आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती एक सिंगल स्टेट के अंदर, और इनके लिए एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, अब कायद अजम उन्होंने जिन्ना की जो ये स्टेटमेंट थी उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मार्च 1948 में, ये रिफ्लेक्ट किया था इसने किसकी तरफ, टू नेशन थ्योरी की तरफ, जिसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि जो इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो एक सिंपली एक इंटरकम्युनल स्ट्राइक नहीं है, बल्कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ना सिर्फ हिंदूज के लिए बल्कि मुस्लिम्स के लिए बल्कि हिंदूज के लिए भी, दोनों कम्युनिटीज के लिए इक्वली जो है वो एक इश्यूज है। एट बोथ आर डिस्टिंक्ट नेशंस, दोनों की जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट है, दोनों की डिफरेंट एस्पिरेशंस है। तो जिन्ना इस चीज के ऊपर बिलीव कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम जो है वो एक सिर्फ तभी रिजॉल्व हो सकता है जब मुस्लिम्स को भी एज ए कम्युनिटी, क्योंकि हिंदूज को एज ए कम्युनिटी रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, उनके राइट्स तो दिए जा रहे थे, कांग्रेस उनके लिए तो काम करी थी, लेकिन मुस्लिम्स को एज ए कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। तो उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके लिए एक सेपरेट नेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जो लाहौर रेजोल्यूशन है मार्च 1943, इसमें जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से इनका जो एनुअल सेशन था लाहौर में उसमें दी गई, इट इज कॉल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। अब इसको मुस्लिम स्टेट के लिए जो एक कॉल दी गई वो इसी में दी गई, और यहाँ पे एक प्रॉपरली ऑफिशियली मीन्स के मुस्लिम ने अनाउंस किया अपने डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो ये रेजोल्यूशन जो है वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस कर रही थी, और इसका जो आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि मुस्लिम्स जो इंडिया में हैं वो एक सेपरेट नेशन के तौर पर है, उनका एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट है। तो इस रेजोल्यूशन की जो डिमांड थी वो क्या थी, क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या चीज ऐड करेंगे कि कायद अजम मुहम्मद जिन्ना की जो ये स्टेटमेंट थी इनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1948 में सिग्निफिकेंट थी हिस्ट्री में सब कॉन्टिनेंट के, और इन्होंने क्या किया, जो ग्रोइंग सेंस था एलिनेशन और फ्रस्ट्रेशन का मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, कि वो अब मुस्लिम कम्युनिटी ये चाह रही थी कि बहुत सदियों तक एक सदी तक जो है मुस्लिम्स हिंदूज के साथ रहते आए थे, लेकिन अब मुस्लिम कम्युनिटी की भी यही डिमांड थी, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी कि वो भी अब अलहदा होना चाह रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी की ये डिमांड थी, जस्ट कायद अजम अपने बिहाफ पे नहीं कह रहे थे बल्कि जो मुस्लिम डोमिनेंट कम्युनिटी थी उनका ये कहना था कि उन्हें वहां से सेपरेट होना है, क्योंकि वो ये फील कर रहे थे कि उनको बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था कि जो हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस पार्टी है वो उनके इंटरेस्ट के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, मुस्लिम्स के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और वो टोटली अपने हिंदुइज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं को फेवर दे रहे हैं और हिंदूज को ही डोमिनेट कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो इस चीज ने मुस्लिम्स के अंदर काफी ज्यादा अलाइनेशन पैदा की, फ्रस्ट्रेशन पैदा की, और उनकी जो डिमांड थी वो पॉपुलराइज हो गई। अब जो टू नेशन थ्योरी है उसने एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए, और लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो क्लियर थी अपने एक्सप्रेशन और अपनी डिमांड के लिए। ठीक है जी, इन कंक्लूजन हम देखें तो कायद अजम की जो स्टेटमेंट थी प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, इसको आपने पहले जो रेजोल्यूशन थी उसके बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था 1940 में पहले आपने उसको डिस्कस करना है, उसके बाद हमने लाहौर रेजोल्यूशन को डिस्कस करना है जहां पर टू नेशन थ्योरी का नजरिया दिया गया, और ये दोनों का जो रिफ्लेक्शन थी जो ग्रोइंग सेंस ऑफ एलिनेशन फ्रस्ट्रेशन को प्रेजेंट कर रही थी मुस्लिम कम्युनिटी के, प्रोवाइड कर रही थी जस्टिफिकेशन फॉर डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, वी हैव टू डिस्कस दिस। और ये रेजोल्यूशन जो है एक्चुअली में क्लियर एक्सप्रेशन थी, और ये एक ऐसी डिमांड थी जिसने आगे जो इवेंचुअल क्रिएशन थी पाकिस्तान की 1947 के अंदर उसका एक बाकायदा स्टेज है वो सेटअप कर दिया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट ऑन द पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट रोल डू यू फोर सी फॉर पाकिस्तान इन रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स इन नियर फ्यूचर 2016। नोट लिखना है यहाँ पे जो पोस्ट 9/11 जो अटैक्स थे, जो इंसिडेंट था, उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, और आप
इस रोल को जो पाकिस्तान का जो रीजनल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर नियर फ्यूचर में क्या रोल होगा, ठीक है जी, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, वो आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अंदर इस चीज को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। अब ये जो 9/11 के बाद की पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो ठीक है ऑलरेडी डेवलप थी, लेकिन 9/11 इंसिडेंट के बाद फॉरेन पॉलिसी क्या हुई, ठीक है, इसके अंदर क्या चेंजेस आए, सबसे पहले आपने इसको देखना है। अब अगर हम सिनेरियो चेक करें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस तो आए थे आफ्टर 9/11 इंसिडेंट, ठीक है जी। जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे उस वक्त, तो उनका जो डिसीजन था अलाय होने का यूएस के साथ वॉर ऑन टेरर के ऊपर, और जो एक शिफ्ट था कॉन्सिक्वेंसेस का जो पाकिस्तानी यूएस रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान का जो एक कंट्री या ग्लोबल रीजनल स्टैंडर्ड थी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के सारे रिलेशनशिप्स के ऊपर, और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट किया पाकिस्तान यूएस रिलेशंस ने, ये तमाम चीजें आपने यहाँ पर इनको जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है जी। द पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान वाज शेप्ड बाय द कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द रीजन। पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी 9/11 के बाद, वो सिचुएशन इस तरह की हो गई थी कि पाकिस्तान के पास जस्ट यही ऑप्शन था कि अगर वो वॉर एंड टेरर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इट मींस पाकिस्तान इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, बट अगर वो पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो इट मींस दे आर एक्चुअली ऑन दी अदर साइड विद टेररिस्ट, दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट अटैक्स, और दे आर एक्चुअली पाकिस्तान इज एक्चुअली अ टेररिस्ट कंट्री। तो इस अपने ऊपर इस इमेज को हटाने के लिए पाकिस्तान को यूएस का जो है वो साथ देना था वॉर ऑन टेरर में टू शो इट्स एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज, या ये बताने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। परवेज मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ठीक है जी, और इन्होंने वॉर ऑन टेरर के ऊपर पाकिस्तान के यूएस के साथ जो है वो अलाय किया, ठीक है जी, और जो एफर्ट्स थे टेररिज्म को कॉम्बैट करने के रीजन के अंदर में पाकिस्तान ने अपना एक रोल जो है वो अहम रोल प्ले किया, ठीक है जी। अब जो ट्रेंड्स थे पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के 9/11 के बाद, उसमें पाकिस्तान ने यूएस के साथ जो वो अपनी अलाइनमेंट की थी, पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी थी उस पर पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट किया था अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो है वो काफी ज्यादा रिलेशन जो है वो 9/11 से पहले वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे अफगान तालिबान को, बट आफ्टर 9/11 इंसिडेंट देवर एक्चुअली अगेंस्ट देम। उसके बाद जो रिलेशन थे वेस्ट की तरफ पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन की वजह से, जो पाकिस्तान के वेस्टर्न नेशंस के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हुए थे, तमाम चीजें जो फॉरेन पॉलिसी के ट्रेंड्स थे जो पाकिस्तान के इनके साथ स्ट्रांग हुए, कुछ चैलेंजेस और स्ट्रेंट्स का भी सामना करना पड़ा। तो अब अगर हम यहाँ पे अपने आंसर के अंदर डिस्कशन करें इसकी, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ की लीडरशिप में पाकिस्तान को एक क्रूशियल सपोर्ट मिली यूएस की तरफ से, ठीक है जी, कोलिशन हुई अफगानिस्तान के साथ इंक्लूडिंग अलाइंग यूएस जो यूएस ट्रूप्स थे उन्होंने पाकिस्तान टेरिटरी को यूज किया जो लॉजिस्टिकल पर्पजेस के लिए अटैक्स करने के लिए, पाकिस्तान ने अपना जो मिलिट्री ऑपरेशन थे वो लॉन्च किए मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, इसके साथ साथ जो अपने ट्राइब अपने खुद के ट्राइबल एरियाज थे उनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया, और इसकी वजह से किस वजह ये इसमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन से हुई थी कि ये एरियाज एक्चुअली में एक हेवन साबित हो रहे थे टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए, तो पाकिस्तान ने इन तमाम के अगेंस्ट जो है वो ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ यूएस ट्रूप्स जो है वो किए थे। हाउ पाकिस्तान अलायंस विद द यूएस ऑल्सो ब्रॉट क्रिटिसिज्म। अब इनके साथ अलायंस थी तो जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म था, ठीक है जी, कुछ क्वार्टर्स की तरफ से पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल अलाय था चाइना, ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक इस्लामिक ग्रुप थे उनकी तरफ से। अब यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, उन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट की, और जो रिलेशन थे दोनों कंट्रीज के दरमियान, ठीक है जी, उनके अंदर काफी ज्यादा टेंशन फेस करनी पड़ी बिकॉज यूएस जो वो ड्रोन स्ट्राइक कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो दोनों ये चीज इंपैक्ट कर रही है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, और पाकिस्तान को जो है वो डोमेस्टिकली काफी चीजों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसने जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के उनको काफी स्ट्रेंड आउट किया। रिसेंट ईयर्स में अगर देखें तो पाकिस्तान हैज सॉट टू डाइवर्सिफाई इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन द यूएस। और पाकिस्तान ने जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंस काफी हद तक कम की, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपने चाइना के साथ टाइज थे उनको स्ट्रॉन्ग किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए, ठीक है जी, ये गेम चेंजर साबित हुआ पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के इकोनॉमी के लिए, और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे रशिया के साथ, ईरान के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ, वो काफी ज्यादा बेहतर हुए। अब मुस्तकबिल करीब की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का
जो कंटिन्यूटी में रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है रीजन के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो, इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मिलिट्री पावर है, इन चीजों को में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर साबित कर रही है पाकिस्तान को साउथ एशिया के अंदर। और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और पाकिस्तान के जो पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान के साथ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज के साथ, रीजन के साथ अगर कंफ्यूशन कम हो तो कंट्री की जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। ओवरऑल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम देखें तो वो एक कम्बिनेशन है रीजनल और ग्लोबल फैक्टर्स का। पाकिस्तान को उस चीज को अपने जो रीजनल ग्लोबल फैक्टर्स उनको देखते हुए उसमें चेंज लाना पड़ता है। और पाकिस्तान के कंट्री की जो है वो मेन मोटिव क्या है कि जो उसका अपना इंटरेस्ट है, जो उसकी अपनी रिलेशनशिप्स हैं बाकी कंट्रीज और रीजन्स के साथ, डिफरेंट पार्ट्स के साथ, वो एक बैलेंस रिलेशनशिप में जो वो बिल्डअप रहे। तो ये तमाम चीजें आपने जो पहले पॉलिसी थी और बाद में किस तरीके से इसमें चेंजिंग्स आ सकती हैं, तमाम चीजों को आपने अपने करंट सिनेरियो को, कंट्री की करंट सिचुएशन को देखते हुए इसे अपने क्वेश्चन में जो है वो अपना इसका इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड द कश्मीर प्रॉब्लम्स इन इट्स एंटायरिटी थ्रू लाइट ऑन इट्स बैकग्राउंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दिस कोर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है जी, इसके साथ रोशनी डालनी है जो बैकग्राउंड है या प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के इस इशू के दरमियान में, उसे किस तरीके से जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर आपने अपनी डिस्कशन यहाँ पर देनी है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कश्मीर प्रॉब्लम को, ठीक है जी, एंटायरली में हमने डिस्कस करना है इसका। जो लाइट हमने अपना जो डिस्कशन का फोकस रखना है वो किसके ऊपर रखना है, बैकग्राउंड के ऊपर, और जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होने हो सकते हैं इसके, जो करंट सिचुएशन को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान के, वो क्या हो सकते हैं, ठीक है जी, इस चीज को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। द कश्मीर प्रॉब्लम इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसमें एक्चुअली में क्या करना है कि ये इशू, इसकी रूट्स अगर देखे जाए तो ये जब पार्टीशन हुई ब्रिटिश रूल के, इनसे इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान की और इंडिया की 1947 से, ये उस वक्त से इसकी रूट्स जो जाके मिल रही है। कश्मीर रीजन जो है, ठीक है जी, वो कहाँ पे इंक्लूड हुआ था, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर की, और पाकिस्तान जो है वो एडमिनिस्ट्रेट हुआ था, उसकी जो टेरिटरीज थी वो आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की थी, ठीक है जी। अब इसमें जो सिचुएशन बैकग्राउंड की अगर देखी जाए तो जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है वो डिवाइड हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में जब ये डिवाइड हुई तो जो प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे जो राजा महाराजा टाइप का जो एक दौर चल रहा था, तो उसमें जो महाराजा ऑफ कश्मीर थे हरि सिंह, उन्होंने इनिशियली क्या चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, लेकिन बाद में क्या किया, इवेंचुअली स्टार्ट में तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट, हमारी ये स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, बट लेटर ऑन इन्होंने क्या किया कि इंडिया के साथ एक्सेड हो गए और जो है ये किया कि जो है वो उन्होंने एक जो साइन कर दिया एक एक्सेशन जिसमें इंडिया के साथ 1948 में। इससे क्या हुआ कि पहली इंडिया पाकिस्तान की जो एक जंग है, इंडो पाकिस्तानी वॉर, वो इसके नतीजे में हुई, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ कश्मीर थी वो किस तरीके से इंडियन और पाकिस्तानी कंट्रोल एरिया में हुई, तो ये उस टाइम से एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया कि कश्मीर इंडियन साइड पर आएगा या पाकिस्तानी साइड पर आएगा, ठीक है जी। तो ये कंफ्लिक्ट जो है वो स्टिल अब तक जारी है दोनों इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, दोनों इसकी सॉवरेनिटी को क्लेम कर रहे हैं रीजन के ऊपर। इस डिस्प्यूट की वजह से काफी वॉर्स हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, कुछ चल भी रही है सिचुएशन, इस रीजन के अंदर काफी वायलेंस हो रहा है, और इसके साथ साथ जो टेरिटरी है वो ऑलमोस्ट 2/3 जो है वो इंडिया के पास ही है, अब पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल कर रहा है रिमेनिंग 3rd को। अब अगर इस सिचुएशन को देखा जाए, करंट सिचुएशन को अगर हम इस सिचुएशन में देखें, पॉसिबल सॉल्यूशन से पहले अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो करंटली कश्मीर जो है, ठीक है, अभी भी इंटेंस सिचुएशन ही है। अब जो इंडिया ने रेवोकेशन की आर्टिकल 370 की 2019 के अंदर, ठीक है जी, आर्टिकल 370 ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा इसमें 2019 में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इसने एक स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू कश्मीर को, और इससे क्या हुआ कि जो फर्दर टेंशन है वो भी इंक्रीज हो गए, और पाकिस्तान का जो एक कॉन्सिस्टेंटली यूएन लेड रेफरेंडम था डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, पाकिस्तान ने उधर भी रब्ता किया, और लेकिन इंडिया ने क्या हुआ,
वो अभी तक इस चीज को मेंटेन रखे हुए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। अब पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए अगर पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ हम आ जाएं, ठीक है जी, कश्मीर प्रॉब्लम के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं तो उसमें बायलेटरल नेगोशिएशन भी है, इंटरनेशनल मीडिएशन भी है, ठीक है जी, स्टेटस को भी है और पार्टीशन, ठीक है जी। अब ये किस तरीके से है पॉसिबल सॉल्यूशन, बायलेटरल नेगोशिएशन में क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है जी, ये क्या करें कि डायरेक्ट नेगोशिएशन हो, ठीक है जी, और आपस में ही बातचीत करके लोग इस मसले को तय करें, क्योंकि लेकिन इसके जो प्रीवियस अगर नेगोशिएशंस की बात की जाए, जो प्रीवियसली आपस में जो बातचीत हुई उसको देखा जाए तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही और उनका कोई खास जो है वो एक नतीजे के ऊपर नहीं पहुंची, तो ये चीज थोड़ा सा मुश्किल भी लगती है, लेकिन ये एक पॉसिबल चांस है कि अगर दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सेकंड जो इंटरनेशनल मीडिएशन है, जो डिस्प्यूट है वो इंटरनेशनली मीडिएट किया जा सके थ्रू थर्ड पार्टी यूनाइटेड नेशन की हेल्प से। अब इंडिया जो है वो हर बार अपोज कर देता है जो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है उसको डिस्प्यूट के अंदर, और जो है वो आर्ग्यू करता है कि ये हमारा जो है वो दो कंट्रीज के दरमियान जो एक बायलेटरल इशू है, एक आपसी मामला है। स्टेटस को की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो एग्री कर सकते हैं उसका स्टेटस को के लिए, और जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन ये एक जो मिलिट्री एक्शन और एग्रेशन होगा रीजन के अंदर वो चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। पार्टीशन की अगर बात करें तो एक दूसरा जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, टेरिटरी को जो है वो डिवाइड कर दिया जाए वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी, जो इंडिया पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वो उसकी तरफ हो जाए, जो पाकिस्तान जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वो रीजन पाकिस्तान की तरफ हो जाए, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो अनलाइकली एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकता है क्योंकि दोनों कंट्रीज कंप्लीटली जो कश्मीर रीजन है उसकी सॉवरेनिटी को क्लेम करते हैं यहाँ पे। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कश्मीर का जो प्रॉब्लम है इसमें जो चैलेंजेस हैं वो भी काफी ज्यादा पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं, और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए ट्रस्ट डेफिसिट्स हैं, ठीक है जी, इंडिया पाकिस्तान दोनों के दोनों जो एक मीनिंगफुल डायलॉग होता भी है तो उसकी कोई खास प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, हिंडर होने का खदशा है। इसके साथ साथ जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है जी, दोनों साइड्स के, उनको कंप्रोमाइज करना भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। रीजनल डायनेमिक्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चाइना की इन्वॉल्वमेंट है रीजन के अंदर, तो ये चीजें जो है वो इश्यूज क्रिएट कर सकती है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कश्मीर का जो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का जो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन देखे जाए तो इसमें काफी मल्टीफेसेटेड अप्रोच चाहिए, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो यूज हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन यूज हो, विलिंगनेस हो कंप्रोमाइज की कि किसी एक को भी थोड़ी सी कंप्रोमाइजेशन करनी पड़ रही है तो वो करें, तो इस चीज से ही इस इश्यू को जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज इट्स एक्चुअली अ डिफिकल्ट मैटर, वी आर एक्चुअली होपिंग फॉर द बेस्ट, और इसमें जो दोनों साइड्स हैं उनकी तरफ से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए और एक लास्टिंग पीस जो रीजन में रिक्वायर्ड है उसके लिए बहुत ज्यादा दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कंप्रोमाइज जो दोनों कंट्रीज का बहुत ज्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखना है कि अफगान वार के ऊपर एक नोट लिखना है सबसे पहले, तो ठीक है जी, 1979 से जो आगे कंटिन्यूटी में अफगान वार के ऑलमोस्ट जो 3-4 फेजेस चले थे, ठीक है जी, तो इसमें जो एरा गया अफगान वार का उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट रहे, ठीक है जी, इंपैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान हमने देखना है। हाउ फार द इमर्जेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द डिकेड्स लॉन्ग वॉरफेयर इन अफगानिस्तान, जो डिफरेंट फैक्टर्स थे जो इमरजेंस थी नॉन स्टेट एक्टर्स की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की पाकिस्तान के अंदर, उनका किस तरीके से कितने डिकेड्स तक किस तरीके से जो है वो असर रहा अफगानिस्तान के ऊपर, कितना वो असर अंदाज हुए, ठीक है जी। सबसे पहले अफगान वॉर का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अफगान वॉर तकरीबन 4 decades तक ऑलमोस्ट जारी रही, 1979 से ऑलमोस्ट 2021 तक 2021 तक डिफरेंट फेजेस रहे थे इस वॉर के। सोवियत यूनियन का था जब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, ठीक है जी, और एंटी सोवियत मुजाहिदीन के अगेंस्ट जो है वो उनको ने अफगानिस्तान को अफगान तालिबान को सपोर्ट किया। उसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी, पाकिस्तान ने बैक किया तालिबान को और एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के लिए एक काम हुआ। उसके बाद यूएस लेड इंटरवेंशन थी 2001 से 2021 तक,
पाकिस्तान ने जो है वो यूएस के साथ अलाइन अप किया और अलकायदा और तालिबान वगैरह के अगेंस्ट जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इन तमाम चीजों का जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, रिफ्यूजी क्राइसिस आया, पाकिस्तान को एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी का सामना करना पड़ा, टेररिज्म का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक बर्डन हुआ, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट आए, डिफरेंट जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उनकी इमरजेंस हुई, टीटीपी हो गई, हकानी नेटवर्क हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, ये तमाम मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई। जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ड्रग्स एंड आर्म्स स्मगलिंग, तमाम चीजों का जो सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जो डिकेड्स लॉन्ग फेयर कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है जी, जो आगे तक जारी रहने वाले जो कंसिक्वेंसेस को पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी हो गई, रेडिकलाइजेशन करना का सामना, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जो वॉर जो काफी ज्यादा फ्यूल अप की गई और पाकिस्तान की आइडियोलॉजीज को काफी ज्यादा एक्सट्रीम अप किया गया, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुई। तो ये तमाम चीजें जो है वो किस तरीके से आगे किस तरीके से असरअंदाज हुई, ये तमाम टॉपिक्स आपने अपने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कोरिलेट करना है इन तमाम चीजों को। ठीक है जी, अफगानिस्तान वॉर है 1979 से स्टार्ट हुई, प्रोफाउंड इंपैक्ट हुआ इसका पाकिस्तान के ऊपर, बोथ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सिचुएशन, जैसे अभी डिस्कस किया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। द वॉर बिगेन विद सोवियत इन्वेजन के साथ जो है ये वॉर स्टार्ट हुई अफगानिस्तान में 1979 के साथ। उसके बाद ये ऑलमोस्ट डिकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रहा सोवियत के दरमियान, सोवियत दैट गवर्नमेंट और रेसिस्ट मुजाहिदीन ग्रुप्स के बीच में। पाकिस्तान अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न पावर्स प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द मुजाहिदीन ग्रुप्स, मुजाहिदीन ग्रुप्स को पाकिस्तान ने और यूएस दोनों ने सपोर्ट प्रोवाइड की, और फिर इवेंचुअली यह फोर्स की उन्होंने सोवियत यूनियन को विदड्रॉ करने के लिए अफगानिस्तान से 1989 के अंदर, पहले पाकिस्तान और यूएस ने मिलकर जो है वो अफगान तालिबान को या अफगान वॉर को सपोर्ट किया सोवियत यूनियन को यहाँ से विदड्रॉ करने के लिए। लेकिन सोवियत यूनियन के विदड्रॉल के बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान जो है वो डिसेंटेड हुआ सिविल वॉर के अंदर, डिफरेंट फैक्शन आए पार के लिए, और इससे क्या हुआ, राइज ऑफ तालिबान हुआ यहाँ पर, विच इवेंचुअली टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द कंट्री 1990s के अंदर, ऑलमोस्ट कंट्री उन्होंने कंट्रोल जो है वो संभाल लिया। पाकिस्तान ने सपोर्ट की तालिबान को इस पीरियड के अंदर, और एक स्ट्रेटेजिक अलाय के तौर पर जो है वो अफगानिस्तान के सामने आया। लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर 9/11 अटैक्स जो यूनाइटेड है, यूनाइटेड नेशंस है, सॉरी After 9/11 attacks क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूएस लेड कोलिएशन थी इन्वेडेड अफगानिस्तान के ऊपर, इस चीज ने आउट थ्रू किया तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान ने इनिशियली जो है वो यूएस को सपोर्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि इससे जो बैकलैश पाकिस्तान को फेस करना पड़ा इस्लामिक ग्रुप से, जो ये देख रहे थे कि पाकिस्तान के जो कॉपरेशन है यूएस कंट्री यूएस के साथ वो एक बैटरल के तौर पर, गद्दारी के तौर पर सामने आ रहा है, तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है वो ग्रोइंग थ्रेट का सामना करना पड़ा, टेररिज्म का, इंसर्जेंसी का, जो डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स थे, मीन्स के जो डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स, जो डिफरेंट पार्टीज थी, तहरीक तालिबान हो गई, हकानी नेटवर्क था, अलकायदा थी, जैश मोहम्मद था और लश्कर ए तैयबा वगैरह, तो इनसे जो पाकिस्तान को फेस करने पड़े थ्रेट्स, इंसर्जेंसी और टेररिस्ट, ये नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से, तो इसकी जो है वो डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे कंट्री के अंदर, ये तमाम चीजें पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। इसके बाद जो इमरजेंस था नॉन स्टेट और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का पाकिस्तान के अंदर, इसने भी एक डिकेड लॉन्ग वॉरफेयर स्टार्ट किया अफगानिस्तान के अंदर। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिलिटेंट ग्रुप की ग्रोथ थी, और काफी सारे जो है उनके टाइज जो है वो अलकायदा के साथ ही मैच हो रहे थे, और दूसरी ट्रांजिशनल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, अब ये ग्रुप्स जो है वो पाकिस्तान को यूज कर रहे थे अपने ऑपरेशंस के लिए, और डिफरेंट जो अटैक्स थे मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स जो है उन्होंने कंट्री के अंदर जो है वो इन्होंने टारगेट बनाया था। इन एडिशन टू द सिक्योरिटी थ्रेट, वन सेकेंड, इससे सिक्योरिटी थ्रेट के साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था अफगानिस्तान के साथ वो इकोनॉमिकली और सोशली भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। जो इन्फ्लक्स था अफगानिस्तान रेफ्यूजीज का, ये पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर रहा था, जैसे अभी स्टार्ट में मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि ये जो इश्यूज है पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे थे, तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको कोरिलेट करके अपने इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करनी है। मीन्स के ओवरऑल जो अफगान वॉर का जो इम्पैक्ट था पाकिस्तान के ऊपर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच थी। ठीक है जी, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स को भी आपने एड्रेस करना है, इसके साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान के हुए, और इसके जो रीजनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी थी उसको किस तरीके से इंश्योर किया जाए, ये तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर एड्रेस हो रही है, और ये
एड्रेस कर रहे हैं, जो रूट कॉज था कॉन्फ्लिक्ट्स का या स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का रीजन के अंदर, इन तमाम चीजों को आपने अपने क्वेश्चन को देखते हुए जो एक पूरा सिनेरियो या सेटअप जो क्रिएट हुआ वो यहाँ पे आपने डिस्कस करना है। ठीक है जी, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने क्या करना है, रिवाइवल करना है पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का एंड कॉन्टेक्स्ट टू प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस। अब जो रिवाइवल हुआ पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस का, ठीक है जी, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है यूएस तालिबान पीस प्रोसेस का उसको देखते हुए, अब जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू यूएस तालिबान, पाकिस्तान का यूएस रिलेशंस डायरेक्टली रिलेट कर रहे थे पाकिस्तान के यूएस के तालिबान के साथ रिलेशंस के साथ। ठीक है जी, अब इन दोनों के दरमियान जो पीस प्रोसेस है जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अगर देखी जाए, हम कह सकते हैं जो पीस प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ 2018 के अंदर। ठीक है जी, जहां पे निगोशिएट किया गया प्रोसेस पीस एग्रीमेंट को, और जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान के अंदर इसको खत्म किया गया। पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन दोनों के दरमियान में निगोशिएशंस में, इनकी बातचीत के अंदर एक लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज बनाने के लिए, जहां पे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो एक की इंटरलोकेटर था बिटवीन तालिबान एंड द यूएस के। जो पीस प्रोसेस है रिलेशनशिप्स का रिसेंट ईयर्स के अंदर काफी ज्यादा एक स्ट्रेन इसको सामना, क्योंकि यूएस ने जो है वो क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को, क्योंकि के पाकिस्तान की जो मिलिटेंट ग्रुप्स को जो बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है और जो एड है कंट्री की वो एज ए रिजल्ट इसमें कम की गई कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें ये तमाम चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ जो यूएस है उसने पाकिस्तान का जो रोल था उसे पीस प्रोसेस के तौर पर भी फैसिलिटेट किया, और इन दोनों कंट्रीज के आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उसको मजीद इंप्रूव करने की यकीन दहानी कराई, मजीद इंप्रूव किया। अब इस एफर्ट के पार्ट के तौर पर जो यूएस है उसने कुछ जो एड थी सस्पेंड कर दी, इसके साथ साथ जो कॉपरेशन था पाकिस्तान के साथ इश्यूज के ऊपर काउंटर टेररिज्म रीजनल स्टेबिलिटी वगैरह, तो ये दोनों चीजें जो वो हाई लेवल मीटिंग जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हुए और दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन अप हुए। ठीक है, और ये एक रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो दोनों कंट्रीज का जो रिवाइवल रहा दोनों पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप्स का, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रही, एक पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की ये एक रीजन के अंदर जो स्टेबिलिटी थी और पीस था उसके लिए। तो ये तमाम जो डिफरेंट अनसर्टेनिटीज भी आए, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कुछ सिचुएशन जो वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर अनप्रिडिक्टेबल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी पाकिस्तान यूएस दोनों के लिए, लेकिन इसको आपस में एंगेज रखने के लिए जो गोल्स है उन्हें शेयर करने के लिए जो इश्यूज और कंसर्न उन्हें सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा जो है वो अप्रेजिंग रहा। और इन दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो जब एक पीस डेवलपमेंट हो गई यूएस और तालिबान के दरमियान में, तो उसने यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को भी जो है वो एक न्यू डायरेक्शन दी और इन दोनों के दरमियान एक न्यू जो है वो टाइल स्ट्रेंथन अप की। तो अपने इन क्वेश्चन को हमने जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आप अपने क्वेश्चन में एक प्रॉपरली आपने अपने सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके आपने उस टॉपिक को उसके जो प्रीवियसली उस टॉपिक की आपके पास जो प्रियर नॉलेज है जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है थोड़ी सी आपने वो देनी है, उसके बाद जो करंट सिचुएशन है और जो आपके पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपने उन चीजों को बस एक इस चीज के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रांग रखनी है कि आपने टॉपिक को क्वेश्चन के साथ किस तरीके से रिलेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। 2017 का लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।